हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोग का सक्सेस मंथ चैनल में वेलकम करती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने आयोग की वेबसाइट खुली हुई है UPSC की। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नई न्यू नोटिफिकेशन आए हुए हैं जो कि आयोग ने अभी जल्द ही जारी किए हैं। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताती हूँ और क्या बताती हूँ कि आयोग कैसी मनमानी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला नोटिफिकेशन है यहाँ पे, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का जो आने वाला था, जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला था, अब नहीं हो रहा है वो एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम होने वाला था 25 अगस्त 2020 से 19 सितंबर 2020 तक होना प्रस्तावित था, बट शासन द्वारा निर्गत COVID-19 महामारी और संचारी रोग के रोकथाम संबंधी आदेशों के क्रम में सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन होने के दृष्टिगत अब PCS की मुख्य परीक्षा जो 2019 की है वो 22 सितंबर 2020 से और सहायक वन संरक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 की ये 15 अक्टूबर 2020 से आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम आगे आने वाले टाइम में जारी किया जाएगा। तो ये 31 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है आयोग द्वारा, लेकिन इससे पहले होने वाली है BEO का एग्ज़ाम जो कि आपकी 16 अगस्त को होने वाला है। तो उसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और 9 अगस्त को भी आपका BEd का एक एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी एक हफ्ता ही बचा है लगभग 9 अगस्त के एग्ज़ाम में, और लगभग 15 दिन बचे हैं जो 16 अगस्त का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए अभी तक इन लोगों ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो इनकी तैयारी से तो ऐसा ही लगता है कि लग रहा है एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं आयोग अपनी मनमानी कब तक चलाता है। अगर उसे एग्ज़ाम नहीं करवाना है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसे जल्दी ही नोटिफिकेशन दे देना चाहिए ताकि बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकें कि उन्हें आगे किस चीज़ की तैयारी मेनली करनी है। और अक्टूबर में इसका प्री का एग्ज़ाम भी होने वाला है 20 का, तो उसके लिए भी अच्छे से तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए होगा। तो लोग कश्मकश में पड़े रहेंगे कि BEO की तैयारी करें और या फिर अपने मेंस की तैयारी करें या प्री की तैयारी करें। तो बहुत ज़्यादा कश्मकश की स्थिति है, कोई एक फिक्स डेट नहीं दी जा रही है। अभी पता है कि अगर ऐसी स्थिति चल रही है महामारी की, रोगों की, तो फिर अच्छे से नोटिफिकेशन देके कुल मिलाकर 6 महीने के लिए सारी परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए, जैसे कि MP में अभी किया गया है। क्योंकि अभी कोई डेट फिक्स नहीं हो पा रही है, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि उन्हें करना क्या है एक्चुअली में आगे चल के। तो होप मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो आप लोगों को के दिमाग में भी यही कश्मकश चल रहा होगा कि हम BEO की तैयारी करें, अगर जिसका मेंस हो गया है वो मेंस की तैयारी करें, या फिर आगे आने वाले अक्टूबर में प्री की तैयारी करें। बहुत ज़्यादा कश्मकश चल रहा है, और हर 15 दिन, 1 महीना 2 महीने में ये लोग डेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे आयोग क्या कदम उठाता है, क्या वो और निर्णय लेता है इस पर। तो इसके लिए देखते रहिए, नई नई जो भी खबरें होंगी मैं आपके लिए टाइम पर लाती रहूँगी। तो ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।